तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को एक बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज़ 2 मिलीमीटर, मतलब इंसान की जो आँख है उसकी जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर यहाँ पे दे रखा है। डायमीटर डी, इसको हम ए से इधर डिनोट करते हैं, और वो है अपन को 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट रिजॉल्व देम, दे आर सिचुएटेड ए डिस्टेंस से 50 मीटर फ्रॉम द आई, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट O1 और ये ऑब्जेक्ट O2, तो इन बीच के बीच का मिनिमम सेपरेशन x, तो ये जो है ये आँख है, यहाँ पे आँख का लेंस है, तो आँख का लेंस ये है, तो मिनिमम सेपरेशन जो है ये एंगल कुछ थीटा मान लेते हैं, और डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस 50 मीटर, तो रेडियस ये जो है वो 50 मीटर के इक्वल है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट भी है। तो ये कहा था एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो हम सबको आप पढ़े होगे कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल, इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है, जिसमें सिंगल लेंस है, ठीक है ना, तो उसका रिजॉल्विंग पावर या एंगुल या साइन थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर, वो होती है 1.22 लैम्डा, और डायमीटर डी। तो यहाँ से जो एंगल अगर छोटा है तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल, तो आर्क इज इक्वल टू एक्स रेडियस यहाँ से आर आ गया, और 1.22 लैम्डा यहाँ से डी ए की वैल्यू आ गई। तो जो एक्स आ गई यहाँ से 1.22 लैम्डा और आर, और यहाँ से जो है डी के इक्वल आ जाएगी, तो 1.22 लैम्डा जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉन यहाँ से आ गया, और 5000 मतलब 10 की पावर में 10 मीटर, और जो रेडियस है वो 50 मीटर आ गया, 50 मीटर जो रेडियस है 50 मीटर के वैल्यू आ गया, और डायमीटर डी यहाँ पे दिया हुआ 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15.25 और इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फर्दर इसको 1.22, और यहाँ से 25, और यहाँ से आ जाएगा 2, और इंटू 10 की पावर -3 बचेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जाएगी 1.525 यहाँ से, जो कि सेंटीमीटर होगी। तो अब देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, दैट इज़ यहाँ से तुम देखोगे तो 1.1 यहाँ से 5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, कहीं कैलकुलेशन कोई दिक्कत होगा तो।